गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। दोस्तों मैलचा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 17 जनवरी 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होती है और करंट में आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा। करंट आप एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको हर दिन का अपना 10 मिनट निकालना पड़ेगा। करंट को आप हर दिन कम से कम 10 मिनट तो सुनिए ही डेली का डेली, और अगर पॉसिबल हो तो उसे लिखिए और फिर एक या दो बार हफ्ते में उसको रिवाइज करिए। इससे क्या होगा कि आपका करंट जो है वो तैयार होता जाएगा। कभी भी आप सोच लेंगे कि एक दिन में करंट की कोई सीरीज ला के याद कर लिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और दोस्तों करंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। और जो एग्ज़ाम की मेरिट होती है वो इसी पोर्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहीं से मेरिट का निर्धारण हो जाता है। बहुत से बच्चे इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो बस यही कहना है कि करंट में डेली अपडेट रहिए। चलिए अब अपने आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों रूस देश के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री पद के से इस्तीफा दिया है। रूस देश के प्रधानमंत्री दामित्री मेदमेदे थे, इन्होंने ही अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब यह सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है, तो अब इन्होंने सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। दोस्तों बात हो रही है रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे रूस की कैपिटल मॉस्को हो गई। रूस की करेंसी की बात कर ली जाए तो रशियन रूबल रूस की करेंसी होती है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेजेंट में है, और रूस की संसद, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। तो ये तो रहा रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है। बात हो रही है IUCN की, तो IUCN का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN का फुल फॉर्म होता है। IUCN की स्थापना की बात कर ली जाए दोस्तों, तो 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी, और IUCN के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो ग्लेन में IUCN का हेडक्वार्टर है। दोस्तों अब बात यहाँ पर हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि कैपिटल की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू व अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर BD मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में IUPAC ने अपना ब्यूरो सदस्य किसे चुना है। दोस्तों IUPAC ने अपना ब्यूरो सदस्य विपुल बिहारी को चुना है। IUPAC का फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लॉयड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। इसी ने अपना ब्यूरो सदस्य विपुल बिहारी को चुना है। दोस्तों IUPAC की स्थापना 1919 में हुई थी, और IUPAC का हेडक्वार्टर नॉर्थ कैरोलिना US में है। तो ये तो बात रही हमारा IUPAC से संबंधित। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सुरेश किशन चंद्र किस बैंक के नए डिप्टी MD बने हैं। दोस्तों सुरेश किशन चंद्र IDBI बैंक के नए डिप्टी MD बने हैं। IBDI की स्थापना की बात कर लीजिए दोस्तों, तो IDBI बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, और IDBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य की पुलिस हेल्थ रन नामक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन करेगी। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की पुलिस हेल्थ रन नामक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन करेगी। बात हो रही है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र की CM की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान में CM है। और महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की जाए दोस्तों, तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर हैं। तो इसी तरह से आप डेली हर जो भी स्टेट है उसके बारे में जानिए, ताकि अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो और आपका डेली का डेली ये सारी चीज़ें कवर होती जाएं।
अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। इन्होंने ही डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत प्रदर्शनी का आयोजन उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आयोजन जो है लोकसभा स्पीकर, अर्थात इसका उद्घाटन जो है लोकसभा स्पीकर हमारे जो ओम बिरला हैं वर्तमान में, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का मतलब क्या है दोस्तों? तो इसमें विधायिका के काम काजों में सुधार के लिए इसका आयोजन किया जाएगा, उस सुधार से संबंधित चर्चाएँ होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ईंधन संरक्षण अभियान सक्षम का शुभारंभ कौन करेगा? दोस्तों हाल ही में ईंधन संरक्षण अभियान सक्षम का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान हमारे वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा सक्षम ईंधन संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों हाल ही में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने फिनलैंड के साथ समझौता किया है। बात हो रही है फिनलैंड की, तो फिनलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि फिनलैंड की कैपिटल की बात कर ली जाए तो हेलिंस फिनलैंड की कैपिटल है। फिनलैंड की करेंसी की बात कर ली जाए तो यूरो फिनलैंड की करेंसी है। फिनलैंड के पीएम की बात की जाए दोस्तों तो फिनलैंड की पीएम सना मारीन है। ये फिनलैंड की वर्तमान में पीएम है और ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इनको अभी ही नियुक्त किया गया है, सना मारीन को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पांचवा साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों अभी हाल ही में पांचवा साइंस फिल्म फेस्टिवल गोवा में शुरू हुआ है। तो अब बात हो रही है गोवा की, गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि गोवा की कैपिटल की बात कर ली जाए तो पणजी गोवा की कैपिटल है। गोवा के सीएम प्रमोद सावरकर हैं और गोवा के गवर्नर की बात की जाए तो सत्यपाल मलिक गोवा के वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार को रोहित शर्मा ने जीता है। और एक अवार्ड और अभी दिया गया था कुछ दिन पहले ही, हमने चर्चा भी की थी इस पे, स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। दोस्तों स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को मिला है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, आईसीसी की बात की जाएगी तो रोहित शर्मा को मिला हुआ है आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, और स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड की बात की जाएगी तो विराट कोहली का नाम रहेगा। अब आईसीसी की बात हो रही है तो आईसीसी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे आईसीसी के फुल फॉर्म की बात की जाए दोस्तों तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आईसीसी के का फुल फॉर्म होता है। आईसीसी की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। दोस्तों आईसीसी के चेयरपर्सन की बात की जाए तो वर्तमान में आईसीसी के चेयरपर्सन शशांक मनोहर है, और आईसीसी के सीईओ की बात की जाए दोस्तों तो प्रेजेंट में आईसीसी के सीईओ मनु शाहनी है। तो ये तो बात रही दोस्तों 17 जनवरी से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन पॉइंट्स के साथ दोस्तों हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।